हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं उठ के आ गई हूँ, 4:30 पे उठ गए थे, अपने नित्य कर्म से होके नीचे आ गए, गेट खोला, पानी डाला, उठन डाला, फिर उसके बाद यहाँ खोल के आई हूँ। जो कपड़े कुछ होते हैं सारा सामान ऊपर चला गया, तो नीचे ला के रख दो, नीचे का सामान नीचे, कबर्ड का सामान कबर्ड में, और जो होते हैं कपड़े नीचे के वो सब इकट्ठा कर लेती हूँ, उसको अलग रख लेती हूँ कि इसको मशीन में डालना है। तो इनको सबको चेक करती हूँ, पोछना वाला होता है पोछते हैं, झाड़ते हैं, व्यवस्थित करते हैं, चादर बदलनी, तकिया कलिहाफ बदलना, जो भी चेंज करना सब करके फिर मैं झाड़ू उठती है, पानी भरना, पानी भर के रखना, ठंडा पानी ऊपर के लिए निकालना, वो बॉटल जो खाली हो उसको भरना, ये सब मेरा चल रहा है। और आज बुलाया है एक्वा वाले को कि ऊपर भी लगा दो, तो वो भी आएगा। नीचे झाड़ू पोछा सारा करके फिर ऊपर जाऊंगी, ये लोग सो रहे थे तो मैंने कहा खटपट क्यों करें, तो फिर ऊपर जाऊंगी। आने पर सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, फिर सारा काम करके एक एक रूम की बंद करके जाते हैं। साथ ही साथ बाहर आ गए, कार खड़ी होती है, इतनी सफाई नहीं कर मिलती है, लेकिन फिर भी अंदर हाथ डाल डाल के झाड़ लेती हूँ, पोछा भी अंदर कर करके लगा लेती हूँ कि हटे तो एकदम से गंदा ना लगे। तो यहाँ भी पौधों को पानी वानी देना, स्कूटियाँ अगर धो देती हैं तो कहता है कि अच्छी नहीं है मम्मा, या तो फिर पोछा भी करिए, तो उनको झाड़ देती हूँ, नहीं तो रहती हैं ऐसे ही, ये लोग जाते हैं तो झाड़ पोछ लेते हैं। और ये सब करके सीधे ऊपर जाना है, ऊपर पौधों को पानी देना है, और आज टॉयलेट भी साफ़ करने की सोची मैंने, वो भी कर लूँगी। जल्दी उठ जाइए तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और रेस्ट करने भी मिल जाता है। ऐसे दिन भर चलते रहिए तो खींच सी आती है और थकान भी हो जाती है, तो ये बहुत अच्छा होता है, सही चलता है रूटीन। टॉयलेट धो के नहा के जैसे पूजा करके निकलती हूँ तो अपना देख के जोश आ जाता है, एक को काम करते देखो तो रामू काका के रूप में इनका परिवर्तन हो गया था। अब ये सारे गमले गमले की घास हटा के मिट्टी कम करके उसमें थोड़ी सी गिट्टियाँ डाली, सोने के साइड में सब रहने आ गए, वो सामान सारा हटाया, पेंट वेंट का जो भी था लेते गए, कुछ छांट के रखा कबाड़ी के लिए, कुछ हटा के रखा, वो सब आता जाता रहेगा। बहुत सारा गया था डाले पे चढ़ के, लेकिन फिर भी रह जाता, इतनी गृहस्थी हो जाती है, तो फालतू का ज़्यादा होता है, इसका कम ही होता मुझे लगता, कितना भी हटाते रहो। तो सब हट के ढक गया है, फिर एक्वा वाला आता है, लगवाते हैं खड़े होके, फिर बैठते हैं वहाँ पे, फ्रिज भी लेने की सोची जा रही है। हम लोग देख आए थे एक बार मार्केट में, ऑनलाइन देखा गया, तो उसमें 2-3 बार इन्होंने करा कैंसिल हो जाता है, फिर जब करा तो पैसे कट कर लिए उसने और कैंसिल मार दिया। तो ये वेट कर रहे हैं जब उधर से आ जाए फिर लाएं। हम क्या, सुकुब डूब गया है, बृहस्पति भी डूब गया है, अच्छे दिन हम लीजिएगा, अब देखते हैं क्या होता है। ये प्लान था लेकिन जो होना था वही हुआ। काम डन हो गया, अब मैं नहा लूंगी और पूजा होगी, इसके बाद शुरू होगा रामू काका का काम। Thank you.
रामू काका और उनका बेटा बाहर जुटा पड़ा है और मैं भाग के आई हूँ। पूछ रहे थे मिट्टी कहाँ डाली, ये कहाँ रखें, कहाँ रखें। मानस बार बार आ रहा था पूछना, उसे बता दे रहे थे। हमने कहा सब्जी बना ली फटाफट, कह रहे 10 पे चले जाएंगे। तो मैं फटाफट बना के आटा गूंथ के रख के चाय तो पिला ही देती हूँ उनको, चाय पी लेते हैं उसके बाद ही होता है। सामान आया नहीं, उसके रखने का इंतज़ाम पूछा जाने लगा। मैं जल्दी में हूँ कि चाय पिला दूँ, नहीं तो जुट जाएंगे तो फिर ऐसे तो कुछ खा भी लेंगे इसी बहाने। डिसाइड कर रहे हो? आ गए। हम लोग की बातचीत ऐसी होती, जब कहने चलेंगे तो कहेंगे समझ जाते हैं। रामू का कहने कर दिया है अपना काम और ये जा चुके हैं। फिर मैं लेट के आराम करती हूँ खाना ना बना के। शाम को उठी हूँ, सीधे दीपक जला देती हूँ, फिर उसके बाद काम शुरू होते हैं आगे के। तो खाना तो बना ही रखा है, सब्जी दाल गरम कर लूँगी सारा। दूध गरम कर लिया है, दोनों चाय पीऊँगी। दाल और सब्जी रखी है गरम कर ली, चावल रखा है थोड़ा इनके लिए बनाया था, ये नाश्ता करके चले गए थे। बहुत सारे सूख गए हैं, इतनी तेज़ धूप होती है, दोनों टाइम पानी दे रहे हैं उसके बावजूद ये हालत है। सेकेंड टाइम पर झाड़ू पोछा हो गया, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। शाम हो गई 5:30। जब तक ये मैदान पड़ा है तब तक बच्चे भी दिख रहे हैं, नहीं तो बच्चे भी गायब हो जाएंगे, घर बन जाएंगे।